हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमिता। मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। ये थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, तो चलिए इसका रेसिपी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो लगेगा, इधर मैंने चिकन ले लिया है, ये है करीबन आपका 250 ग्राम चिकन है। ये देखिए, मैंने विद बोन चिकन लिया है। उसके बाद है एक अंडा, थोड़ा सा मैंने ब्रेड क्रम्स रखा है, करीबन इधर 2.5 कप का मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। उसके बाद है आपका 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक है, और इधर मैंने लिया है अदरक लहसुन और चिली को, मैंने ग्रीन चिली को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये देखिए, मैंने पूरा पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने रखा है इधर कॉर्नफ्लोर करीबन मैंने 1 कप रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, उसमें हम कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बस हो गया नमक। जो हमारा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर था वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक और चिली जो हमने क्रश करके रखा था वो हम डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा अंडा था वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम पूरे चीज़ों को। मिक्स करने के बाद हमारा जो चिकन था वो हम इस पे डाल देंगे। इस पे आप पानी मत ऐड कीजिएगा, अगर पानी में ऐड करेंगे तो आपका जो कोटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगा, नहीं होगा चिकन के साथ कोटिंग अच्छे से। तो अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हमने चिकन के साथ कॉर्नफ्लोर और मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसको हम करीबन 10 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स पे कोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हम एक प्लेट ले लेंगे। उसके बाद हम चिकन को इधर ब्रेड क्रम्स पे हम कोट कर लेंगे और इस प्लेट पे हम रख देंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम एक एक करके चिकन ले लेंगे। एक एक करके हम चिकन लेंगे और हम ब्रेड क्रम्स पे हम कोट कर लेंगे। अच्छे से ये देखिए, अच्छे तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके कीजिएगा। ये देखिए, एक एक करके हम कर लेते हैं। ऐसे करके हम चिकन के पीसेस को लेंगे ब्रेड क्रम्स पे, थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको हम कोट कर लेंगे। ये देखिए हो गया। ऐसे करके हम सभी चिकन के पीसेस को हम कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स पे। हमारे सभी चिकन ब्रेड क्रम्स के साथ एकदम कोट हो चुका है। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक हम फ्रीज में रख देंगे। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, करीबन 1 हफ्ते के लिए आप डीप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करने का मन हो तो आप निकाल के उसे फ्राई करके तुरंत खा सकते हैं। तो चलिए इसको हम फ्रीज में रख देते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। उसके बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। धीरे से हम छोड़ देंगे इसे। ऐसे करके हम सभी चिकन को छोड़ देंगे।
ओके फ्रेंड्स, हमने सभी चिकन को छोड़ दिया है ऑयल में। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमारा जो चिकन पकोड़ा है वो फ्राई हो चुका है, ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन पकोड़ा है एकदम तैयार हो चुका है। उसको हमने तलने के बाद एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर दे के उसके ऊपर हम चिकन पकोड़ा को रखे हैं ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए इसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए, हमारा जो चिकन पकोड़ा है वो बन के तैयार हो चुका है, हमने इसे सर्व कर दिया है। आप भी घर पे इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइए आपकी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।